नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। तो बड़ा सवाल, क्या हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान नियुक्त किए जाने वाले हैं? ये बड़ा सवाल है, लेकिन इससे पहले एक और सवाल है, और वो ये कि ये फैसला लेगा कौन और ये पता कब चलेगा। दरअसल 3, 5, 7 ये 3 दिन आपको T20I मैचेस जो है वो भारतीय टीम खेलती हुई नजर आएगी जनवरी में, यानी अब बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है। और ऐसे में क्या रोहित शर्मा पूरी तरह फिट हो गए हैं? फिलहाल जो BCCI की मेडिकल टीम है उन्होंने उसे अनफिट करार दिया था कि उनका अंगूठा अभी थोड़ा सा और स्टिफ है, उसको थोड़ा सा और आराम की जरूरत है। और हालांकि जो बेंगलुरु में NCA सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस है जिसको हेड कर रहे हैं नितिन पटेल, जो कि फॉर्मर फिजियो हैं टीम इंडिया के, उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी रोहित शर्मा को कि वो दूसरे टेस्ट में जाकर भी खेल सकते हैं। हालांकि जो BCCI की मेडिकल टीम है उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था और उनको और आराम की सलाह दी थी। और अभी यही खबर जो फिलहाल बताई जा रही है वो ये कि अभी भी जो रोहित शर्मा है उन्हें थोड़ा सा और आराम की जरूरत है। इसका ये मतलब है कि रोहित शर्मा इंजर्ड है, तो अब अगर इंजर्ड है तो साल की जो शुरुआत होने जा रही है T20 सीरीज की उसमें हार्दिक पांड्या नजर आएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, अभी तक तो कोई चयन समिति ही नहीं है, तो वो चयन कौन करेगा? और ये भी एक सवाल है, तो वो चयन फिर पुरानी टीम करेगी और वो नए कप्तान को लेकर तो फैसला ले नहीं सकती है। उसके लिए तो प्रॉपर एक जो चयन समिति है 5 लोगों की, वो इन प्लेस होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन हमने आपको BCCI की एपेक्स काउंसिल की बैठक से पहले 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको ये दिखाया था, वो मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि ODI में भी रोहित और राहुल द्रविड़ की जगह पर सवालिया निशान है। यानी T20 में तो T20 वर्ल्ड कप तो 2024 में है। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए जल्दी से कि जो राहुल द्रविड़ का करार था वो 2021 से 2023 2 साल का करार था, यानी वो 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के साथ खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप कोच लाते हैं तो सिर्फ 6-7 महीने 8 महीने में आप वर्ल्ड कप खेलने चले जाएंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि उसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। तो ऐसे में इस वजह से उस एक कोच को तैयार किया जाने की ये पूरी प्लानिंग है, सोच है। यानी 2024 के जून में वेस्टइंडीज में ये मुकाबले खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के T20 के, और इसी वजह से ये जो पूरा जो कार्यकाल है इसको लेकर भी सवाल है कि भाई अब अगर आप देखें कि वनडे, लेकिन वनडे में बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है, लेकिन एक चीज को सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या हार्दिक पांड्या वो पूरी तरह फिट है कि वनडे में वो कप्तानी भी कर लें और ऑलराउंडर भी हैं, क्या उनकी फिटनेस ये अलाउ करती है कि वो सारे मैचेस खेलेंगे? क्योंकि हमने रोहित शर्मा के साथ देख लिया टेस्ट मैचेस में, उन्हें कप्तान बना के 10 में से 8 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं इस साल में। तो अब आप देख लीजिए, जब से कप्तान बने हैं 10 में से 8 मैच पिछले जो टेस्ट मैचेस हैं 10 में से 8 खेले हैं, और उसमें भी जो 2 टेस्ट मैच खेले हैं उनमें आप उनके स्कोर देख लीजिए 26-15 और 46, तो ये 29-15-46 कुछ इस तरीके के स्कोर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रोहित शर्मा के बल्ले से आया नहीं है, और महज 2 टेस्ट मैच, कभी हैमस्ट्रिंग, कभी कोविड, कभी थंब इंजरी और कभी आराम, तो ये सारे रीजंस रहे जिसकी वजह से उन्होंने 8 टेस्ट मैचेस मिस कर दिए। तो ये आप नहीं चाहते जो आपके लिए नया कप्तान बने। हार्दिक पांड्या वैसे ही टेस्ट मैचेस में अब नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उनकी फिटनेस अलाउ नहीं करती, तो क्या वो बतौर कप्तान भारतीय क्रिकेट को व्हाइट बॉल फॉर्मेट में आगे ले जाने के लिए फिट है? खबर जो है वो ये इस तरीके की है कि भाई हार्दिक पांड्या ने थोड़ा इस पर सोचने के लिए उन्होंने भी वक्त मांगा है, और बाकी जो नई चयन समिति आएगी तो वो इस पर फैसला लेगी, लेकिन बदलाव जो है वो आपको जल्द ही देखने को सुनने को हो सकता है मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में इसका मतलब क्या है? क्या रोहित शर्मा जा रहे हैं, उनका टाटा बाय बाय हो गया T20 फॉर्मेट से, या वो सिर्फ बतौर कप्तान हट रहे हैं? मेरे विचार में सिर्फ बतौर कप्तान हटने का, और अगर मुंबई में पहला मैच है, दूसरा पुणे में है, तीसरा राजकोट में है, तो अगर ऐसा है तो एक सजेशन ऐसे ही, जैसा कि लोग कहते हैं कि भाई आप ऐसे ही क्या उनको बाय बाय कर देंगे बिना कुछ बताए बिना कुछ बोले? तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में ये एंड ऑफ द रोड है फॉर दीज सीनियर्स इंक्लूडिंग रोहित शर्मा। वो जैसे ही टीम चयन होगा आपके सामने वो टीम आ जाएगी, लेकिन ये खबर है हार्दिक पांड्या आपको जल्द ही कप्तान के रूप में नजर आने वाले। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह।
नमस्कार।